केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिसके बाद रविवार से देश भर में ईंधनों के दाम कम हो गए हैं। वहीं राजस्थान में भी वैट घट गया है। केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज घटाए जाने के बाद राजस्थान में वैट कम होने से जनता को डबल राहत मिलेगी। हालांकि इसके बाद भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। इसको लेकर सीएम गहलोत ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किए जा रहे विरोध प्रदर्शन एवं नव संकल्प शिविर उदयपुर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। हालांकि पिछले दो महीने में ही पेट्रोल एवं डीजल के दाम लगभग 10 रुपये प्रति लीटर बढ़े थे। ऐसे में कटौती महज एक औपचारिकता नज़र आती है। उन्होंने आगे लिखा है कि यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल एवं पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपये प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।